वो जू में रह रहे थे, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी भी उनको भी प्रचार करना चाहिए। तो वहाँ गिरिजा स्वामी थे प्रेसिडेंट बॉम्बे मंदिर के, उसमें सन्यासी नहीं थे, और वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज सिंह राजदा बुलाए थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी उन दिनों में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें प्रभुपाद जी भक्तों ने कहा आप प्रधानमंत्री को मिलिए। तो ये एमपी जो थे प्रभुपाद को मिलने आए थे, और उन्होंने अगले दिन 7 बजे अपॉइंटमेंट रख दिया था मोरारजी देसाई के साथ प्रभुपाद जी का और दो भक्तों का। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने तमन कृष्णा और गिरिजा स्वामी को भेजा मोरारजी देसाई को मिलने के लिए। वो प्रधानमंत्री थे और ठहरे थे मरीन में उनके बेटे के घर में। तो अपॉइंटमेंट 7 बजे का, और प्रोग्राम ये था कि गिरिजा और तमन कृष्णा राजा को पिकअप करेंगे प्रधानमंत्री के घर के रास्ते में। घंटी बजाई तो बहुत बड़े, घंटी बजाने के बाद वो तो जब वो मोरारजी देसाई वॉज वेरी पंक्चुअल, 1 मिनट लेट नहीं, तो ये भक्त पहुँचे, कि भक्त तो टाइम में पहुँच गए थे पर ये एमपी ने लेट कर दिया था घर से। सॉरी तुम लोग बहुत लेट आए, मैं आपकी राह देख रहा था आधे घंटे से ले बेगर। तो प्रभुपाद जी ने पूछा सो हाउ वाज़ द मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। प्रभुपाद जी वी वर लेट, वी वर लेट, उन्होंने कारण बताया, ये लेट उठा। ओके, तो या ये बॉम्बे प्रभुपाद जी ठहरे थे और यू के मंदिर में, तो पढ़े थोड़ा, ये था बैकग्राउंड। दिन शांतिपूर्वक बीतते रहे। प्रभुपाद के कमरे से होकर मंदिर बहती रहती थी, उनकी प्रति सदैव प्रखर और जागरूक बनी रही, और तब भी उनके साथ में आनंद गोस्वामी मायापुर से आए थे और तन्मय होकर श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, किंतु महत्वपूर्ण धर्मोपदेश के कार्य के कारण उन्हें बंगाल लौटना था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मालिश करने और अपने गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा करने में भवानंद निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट है, किंतु निजी सेवक के कार्य से प्रचार का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। उपेंद्र जो श्रील प्रभुपाद का निजी सेवक होने आया था चकित था कि प्रभुपाद की खुराक में कितना परिवर्तन हो गया था। अब वह खिचड़ी नहीं बना सकता था जो प्रभुपाद पहले इतनी पसंद करते थे। प्रायः प्रभुपाद जब कोई चीज़ चाहते थे तो अब बोलते ही नहीं थे, वरन अपनी इच्छा के विचार को वे सिर हिलाकर दृष्टि घुमाकर उंगली के इशारे से या केवल हुम की आवाज से सूचित कर देते थे। अपने कमरे से प्रभुपाद दिन की सामान्य आवाजें सुना करते थे। कोकिल की कुओं का काम गाँव संगमरमर के मजदूरों के घरों की चोटें दूरी पर भागने वाली कारों के इंजनों की झरझराहट भौंकुओं का पौ
साई की लौटी घंटियाँ तो प्यारी हैं, वे प्रत्येक आरती पर बजने वाली पुजारी की घंटी और संत का नाद भी सुनते रहते थे। मंदिर कक्ष में चलने वाले कीर्तनों और भजनों की गूंज भी उन्हें सुनाई पड़ती रहती थी। ठीक है, तो इस समय प्रभुपाद जी का शरीर थोड़ा कमजोर है और पवनचंद्र प्रभु आए थे उनकी सेवा करने के लिए और बॉम्बे मंदिर भी बंद लगभग समाप्त हो गया, कंस्ट्रक्शन का बहुत थोड़ा काम बचा था। तो क्योंकि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य कमजोर था तो बहुत कम खुराक वो ले रहे थे। प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है कि मेरी सेवा से ज़्यादा उत्तम है प्रचार की सेवा। तो पवनचंद्र आए थे सेवा करने के लिए, प्रभुपाद जी ने उन्हें वापस मायापुर भेज दिया। तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद के साथ अनेक भक्त होते थे, तो थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद उन्हें प्रचार की सेवा में भेज देते थे। तो यहाँ कहा गया है कि प्रभुपाद का शरीर कमज़ोर था पर जब भी उन्होंने प्रचार बंद नहीं किया। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद है, ये इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने बड़ी कमज़ोर स्थिति में किया और प्रभुपाद ने ये बताया कि जब तक जान है हमें इस प्रचार की सेवा करते रहनी चाहिए। तो बॉम्बे में प्रभुपाद जी हैं, उनके शरीर कमज़ोर है। प्रभुपाद जी का अपार्टमेंट था पाँचवें मंजिल में, आपने देखा है, आप लोगों ने कितने भक्तों ने देखा है, तो बड़ा सुंदर अपार्टमेंट भक्तों ने बनाया था प्रभुपाद जी के लिए। तो पांच मंजिल में प्रभुपाद थे पर उन्हें आवाज़ नीचे से पूरी पहुंच जाती थी। एक समय भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा, क्योंकि नीचे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो पत्थर तोड़ रहे थे, तो भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? प्रभुपाद ने कहा डिस्टर्ब नो, दिस इज कीर्तन। ये जो मंदिर बन रहा था, सब मंदिर बन गया था लगभग, तो ये जो आवाज़ आ रही है पत्थरों की, ये तो कीर्तन है। तो कमज़ोर थे जो भी प्रभुपाद ने प्रचार नहीं बंद किया, पर ये एक दिन सवेरे जब प्रभुपाद समान कृष्ण और गिरिराज से बातें कर रहे थे, गोविंद गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जो इस बात के संकेत थे कि इस्कॉन के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी हर्ष विग्रह का सवेरे का दर्शन आरंभ हो गया है। प्रभुपाद बोले, कृष्ण भावनामृत कितनी अच्छी चीज है, इसके लिए मैं अकेले इस संसार में प्रयत्न कर रहा हूँ और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग आगे नहीं आते, उनके अपने धंधे हैं, क्यों? यदि ये मानव समाज के लिए सचमुच लाभकारी है तो मैं इसके लिए अकेले प्रयत्न क्यों करूं? मैं जब तक जीवित हूं प्रयत्न करता जाऊंगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद ने कई सालों के लिए बड़ा भारी संघर्ष किया। प्रभुपाद जी कईयों से, कई खानदानों से निवेदन करते थे आप अपना बेटा दीजिए, एक बेटा कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू प्रीच, वो चीते महाप्रभु ने गाना भारत भूमि से, भारत भूमि में जन्म ले, उसे अपना उद्धार भी करना है दूसरों का उद्धार भी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी को दुख हो रहा था कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और
ये जो गोविंद माधीपुर से हम रोज सुनते हो, ये क्या है? क्या है? प्रार्थना है ब्रह्मा संहिता की। और आप विश्व के किसी कोने में चले जाओ, ये गोविंद माधीपुर से सबको बहुत अच्छा लगता है, क्या नहीं? और प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जी फिलाडेल्फिया में थे जब उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि गोविंद माधव पुरुषम रोज बचाओ। ये जो गोविंद माधव पुरुषम है, शायद आप जानते होंगे, ये रिकॉर्ड हुआ था इंग्लैंड में। गोविंद माधव पुरुषम ये ब्रह्मा संहिता की मंत्रों की उच्चारण है। और जब प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड में प्रचार शुरू किया तो उन्होंने अपने गृहस्थ भक्तों को भेजा था, वहाँ जाकर उन्होंने जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स जो थे उनसे दोस्ती बनाई। उस समय बीटल्स जो थे लगभग देवता जैसे थे, जहाँ वो जाते थे लाखों लोग आते थे उनके प्रोग्राम में, बड़े प्रसिद्ध थे। और श्याम सुंदर ने, उसकी पति ने पहले ये जॉर्ज हैरिसन को कल्टिवेट किया। वो जॉर्ज हैरिसन ने बहुत सहयोग दिया प्रभुपाद जी का। जो लंदन का मंदिर है, अब ऐसे ज़्यादा भक्तों ने शायद नहीं देखा, ये बहुत मनोरमा मंदिर ने देखा होगा, बहुत खूबसूरत है। वो पूरी संपत्ति जॉर्ज हैरिसन ने दिया था, एक 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 पाउंड के लिए, एक पाउंड। तो जॉर्ज हैरिसन ने जप करना भी शुरू कर दिया था। जब एक बार श्याम सुंदर प्रभुपाद को मिलने आए थे न्यूयॉर्क में, उस समय प्रभुपाद जी ये जो कृष्ण बुक है उसको छापना चाहते थे, पर प्रभुपाद जी चाहते थे वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। ये जो कृष्ण बुक आप देखते हो, जो सबसे पहली बार छपी थी, इसमें अंतर है। पहली बार छपी थी बहुत सुंदर सिल्वर कवर के ऊपर कवर था, बहुत सुंदर चांदी का। तो प्रभुपाद जी इसको ढूंढ रहे थे कौन सहयोग देगा इसको प्रकाशित करने में। तो जब श्याम सुंदर आए थे पापा जी को मिलने, तो पापा ने उनसे कहा, व्हाई डोंट यू आस्क जॉर्ज टू प्रिंट द कृष्ण बुक। उन्होंने कहा, तुम जॉर्ज हैरिसन को बोलो ये कृष्ण बुक छाप दे। तो श्याम सुंदर ने कहा, पापा इज अ न्यू डिवोटी, वो नया डिवोटी है, हाँ मैं उसे मांगूंगा तो हमारे से दूर नहीं हो जाए। पापा ने कहा, डोंट वरी। तो जब श्याम सुंदर वापस न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क से लंदन आए, तो उन्होंने जॉर्ज से कहा, माई स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स ही टू प्रिंट दिस बुक। तो जॉर्ज ने कहा, हाउ मच विल इट कॉस्ट? उसने एकदम छपाई की कीमत दे दी। तो इस प्रकार वो कृष्ण बुक छपी थी। तो जो बीटल्स थे उनका एक स्टूडियो था, एप्पल स्टूडियो, एप्पल ब्रांड के रिकॉर्ड थे, तो वहाँ ये गोविंद माधीपुरम रिकॉर्ड हुआ था। और प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने कहा कि हर मंदिर में ये गोविंद माधीपुरम बजाना चाहिए। तो जब से सारे विश्व के हर कोने में सब ये रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी चीज़ है, और सारे विश्व में संघर्ष हो रहा है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ क्या करने के लिए, कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो संघर्ष के बिना तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं, ठीक है ना? तो सर, अगर संघर्ष करना ही है तो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि
मानव जीवन के लाभदारी के लिए भक्ति आवश्यक है। और जो बुद्धिमान है व्यक्ति क्या करता है, भक्ति में जुड़ता है। पढ़िए आगे। गिरिराज संघर्ष के वर्षों में बंबई मंदिर का अध्यक्ष बना रहा था और वह लंबे समय से प्रतीक्षा करता रहा था कि प्रभुपाद अपने राजसी आवास में रहने लग जाएंगे और उसमें संसार के बड़े नेताओं का स्वागत करें। अब जबकि इस्कॉन केंद्र वास्तविकता का शानदार रूप धारण कर रहा था, गिरिराज को ये विचार सहन नहीं था कि प्रभुपाद एकांत में पड़े रहें। अतः जब उसने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वह उनसे मिलने को महत्वपूर्ण अतिथियों को ला सकता है, तो वे इसके लिए राजी हो गए थे। गिरिराज ने श्रीमान राजदास से प्रभुपाद की भेंट कराई थी और अब वह संसद के एक अन्य सदस्य श्रीमान राम जेठमलानी को उनसे मिलाना चाहता था, किंतु श्रीमान जेठमलानी के मन में कई शंकाएँ थीं और उन्होंने गिरिराज से स्वीकार किया था कि उन्हें पता नहीं कि कृष्ण वास्तव में कभी थे या वे बिल्कुल काल्पनिक हैं। उनकी मुख्य रुचि गंदी वस्तियों को सुधारने में थी, किंतु वे सामाजिक शिष्टाचार के नाते शिला प्रभुपाद से भेंट करने को इच्छुक थे। जो कुछ भी हो, एक विश्वव्यापी आंदोलन के गुरु थे, वे उनसे मिलेंगे और उसके बाद बंबई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देने निकलेंगे जिन्होंने हाल में ही उन्हें संसद का सदस्य चुना था। श्रील प्रभुपाद की इच्छा राजनीतिक नेताओं को भगवद्गीता के उपदेशों के अनुसार प्रबुद्ध बनाने की थी। यदि यह संभव नहीं हुआ तो वे विदेशी भक्तों के लिए विशेष अनुमति पत्र वीसा प्राप्त करने और बंबई मंदिर तथा बंबई निगम की नौकरशाही के बीच पैदा हुई समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता चाहते थे। प्रपद की इच्छा थी कि जो राजनीतिक लोग हैं उनमें ज्ञान दिया जाए भगवद गीता का। प्रपद जी की इच्छा थी कि गीता का संदेश छोटी आयु से लोगों को देना चाहिए। ऐसे तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कॉमन आचरण पर गया कि हमें ये अध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से आरंभ करना शुरू कर देना चाहिए। आज हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देंगे 2-3 साल की उम्र से, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो देंगे ही नहीं, वो देंगे फिर तो जब बिल्कुल और कुछ सेवा नहीं हो फिर गीता पढ़ो। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि गीता का संदेश छोटी आयु से दिया जाए। और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभुपाद जी ने गांधी जी को पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि आप गीता में बड़ा विश्वास प्रकट करते हो तो गीता को भारत के पाठशाला में छोटी उम्र से सिखाना आरंभ कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये भी चाहते थे बॉम्बे दिल्ली बड़े शहरों में हमारे जो मंदिर हैं, जो अतिथि जो बड़े राजनीतिक या समाज में जिनका स्थान है ऊंचा, उनको भी कल्टिवेट किया जाए। प्रभुपाद जी खास करके बॉम्बे मंदिर बन रहा था, उनकी इच्छा थी कि बड़े बड़े लोग आए उनके मिलने में। तो यहाँ पढ़ रहे हो कि राम जेठमलानी वो उस समय बहुत बड़ा वकील था और जब राम जेठमलानी प्रभुपाद को मिलने आए तो उन्होंने कहा मेरा एक शंका ये है कृष्ण भगवान कौन है। तो उसका कृष्ण में विश्वास ही नहीं था, तो प्रभुपाद उन्हें प्रचार करके ये उपदेश दिया। और फिर राम जेठमलानी जा रहा था तो प्रभुपाद ने उनके लिए प्रसाद बनवाया। तो पहले तो राम जेठमलानी ने कहा प्रसाद मोटर में डाल दो मुझे देर हो रही है, मैंने रास्ते में डालूंगा। प्रभुपाद ने कहा नो दिस इज़ कृष्णा प्रसाद यू शुड सिट एंड ईट हियर। उसको जबरदस्ती वहाँ खिलाया फिर उसने कहा यस इज़ वेरी गुड।
वो हम इसको में हमें क्लास को भी प्रचार करना चाहिए, दिल्ली में भी असल में हम लोग प्रचार करें तो समाज सुधरेगा। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी शुड प्रीच टू एवरीवन और राम जेठमलानी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना था, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को गीता का संदेश सिखाओ। ओके, गिरिराज ने श्रील प्रभुपाद का श्रीमान जेठमलानी से परिचय कराया और जब प्रभुपाद ने सुना कि श्रीमान जेठमलानी की रुचि गंदी बस्तियों के सुधारने में थी तो उन्होंने कहा हम चलते हैं महाप्रभु के तरीके से हरिजनों की दशा में सुधार बड़ी आसानी से ला सकते हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद को हरे कृष्ण आंदोलन के जन्मदाता बताया और कहा कि उनके आंदोलन का उद्देश्य पापी लोगों को हरे कृष्ण मंत्र देकर उनके दुखों का निवारण करना था। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे दावे के लिए साक्ष्य चाहिए। अपने अतिथि की ओर अनुकूल भाव से सिर हिलाते ही उन्होंने कहा आप एक वकील हैं अतः आपको साक्षी और साक्ष्य चाहिए। श्रीमान जेठमलानी ने कहा आप मुझ पर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद बोले नहीं, ये दोषारोपण नहीं है, ये एक तथ्य है। साक्ष्य के बिना, प्रमाण के बिना कोई कानून कैसे लागू किया जा सकता है। प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत का हवाला देकर अपना साक्ष्य दिया जिसमें दो महान पापियों जगाई और मढ़ाई का वर्णन है जिनकी रक्षा हरे कृष्ण आंदोलन से हुई थी। प्रभुपाद ने कहा ये घटना 500 वर्ष पहले की है किंतु आज भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव से सचमुच कृतयज्ञ और अवैध यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति संत पुरुष बन गए हैं। उन्होंने कहा कृष्ण भावनामृत कितना अच्छा है, उसके सहारे हर एक का उत्थान हो सकता है, इसलिए ये हरिजन क्या है, हम इनका उत्थान कर सकते हैं। श्रीमान जेठमलानी ने पूछा कि भगवद गीता में सार्वजनिक और सामाजिक सेवा पर बल क्यों नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये जीवन को पशुवत, जीवन की पशुवत धारणा है। कुत्ते भी आपस में मिलकर बा 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 शब्द करते हैं, मनुष्य भी वही कर सकता है, किंतु तब मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। श्रीमान जेठमलानी ने कहा किंतु मुझे मालूम नहीं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि जानवर एक दूसरे की सेवा करते हैं, इसके विपरीत मनुष्य जाति के लोग ही सेवा करते हैं। प्रभुपाद ने पूछा किंतु सेवा का लाभ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या सेवा की है। प्रकृति के नियमों से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। इस समय इंदिरा गांधी कठिनाई में है, आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में सब समाप्त हो जाता है। प्रकृति का नियम इतना कठोर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भ्रम बस घमंड करते हैं कि आप सहायता कर सकते, आप सहायता करना चाहते हैं किंतु संभव नहीं है। प्रकृति है कि नहीं मानी, आप केवल ये समझने में सहायता कर सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं हैं, आपका असली रूप आत्मा है, आपका काम नहीं है, यही धर्म है। तो प्रभा जी तो हमेशा यही संदेश देते थे कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करना चाहिए किस लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए। तो प्रभा जी इस वकील लॉयर को शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा ये दे रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण अगर नहीं हो तो जीवन क्या माना जाता है। तो वो बेकार मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण है जानिया शून्या पीछा ठाकुर कहते हैं मनुष्य जीवन तो मैंने प्राप्त कर लिया पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूँ, जान बुझ कर जहर पी रहा हूँ। पर आज समाज की स्थिति ऐसी है कि आप लोगों को कहो तुम जहर पी रहे हो, वो कहेंगे पीने दो। वो जहर आज जो समाज की स्थिति ऐसी है कि सरकार कहती है और शराब पियो। सरकार का कर्तव्य होना चाहिए
शराब और इन चीज़ों से लोगों को बचा है, पर आज भारत में क्या स्थिति है, गवर्नमेंट लिकर शॉप्स को पूरी सुविधा दे दी है कि लोग आसानी से शराब की बोतलें खरीदें क्योंकि इससे उनको कर मिलता है। तो प्रॉपर जी उदाहरण दे रहे हैं जगाए मदाएँ का, जो इतने पतित थे जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास से कहा जाओ घर घर प्रचार करने के लिए, तो इन लोगों ने सोचा हरिदास और नित्यानंद ने कि देखने दो इस समाज में सबसे पतित कौन है और उनका उद्धार हो जाए, महाप्रभु की महिमा बढ़ जाएगी। तो उन्हें ये सूचना मिली कि ये शहर में दो बड़े भयंकर शराबी हैं जिनके नाम से ही सब डरते हैं, जिनका जन्म तो हुआ था धनी खानदान में पर फिर बुरी संगत में गिरकर बुरी आदतों में आदत पड़े इत्यादि पड़े। तो नित्यानंद हरिदास सोचने लगे कि अगर हम इनका उद्धार कर लें तो फिर महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ेगी। महाप्रभु जो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में और पूरी प्रजा को ये नहीं पता था कि स्वयं भगवान है। तो वो जब हरिदास और नित्यानंद गए प्रचार करने तो क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ? पहले दिन उन्होंने कहा भागो यहाँ फिर से आओगे तुमको जिंदा नहीं सोचेंगे छोड़ेंगे। उन्होंने जब नित्यानंद हरिदास वापस लौटे महाप्रभु ने उन्होंने ये आदेश दिया था जाओ प्रचार करो उस शाम को आकर मुझे बताओ क्या प्रचार का परिणाम था। जैसे कि हम लोग इसी भाव के आधार पर रोज़ सुबह स्कोर पढ़ते हैं प्रचार का भगवान। तो ये उदाहरण महाप्रभु ने दिया है। महाप्रभु ने हरिदास और नित्यानंद को कहा तुम लोग जाओ प्रचार करो और शाम के आगे मुझे बोलो। नित्यानंद हरिदास अभी रिपोर्ट दे रहे थे तो महाप्रभु ने कहा वापस जाओ, ऐसे तो लोगों ने उन्हें डराया हुआ था जब कहीं ने कहा था तो मेरे पास ही मुझे रहा था वहाँ जाओगे जिंदा और कहते तो प्रचार किया और नित्यानंद की कृपा से उनको उधार। तो जगह मताई यदि प्रजा का कृपा जी उधार प्रचार किया लोगों के पास बहुत कम ज्ञान था भक्ति का रोज वर्तमान में कृपा जी ने प्रचार किया और चैतन्य मास को ज्यादा जगह से गुजर के जा रहे थे। उन्होंने क्या जो पशु थे उनसे भी क्या करवाया कुछ भी इनाम हो जाता। तो प्रभु जी क्या कर रहे हैं एक राजनीति के घर को और प्रभु जी कह रहे हैं वही संस्था तो पतितों का उद्धार करती है लड़कों का क्या प्रकट हुए लोग इसलिए और भगवान के ज्यादा पति तो हमें देखना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में हम ये नहीं सोचते हम बहुत फर्स्ट क्लास योगी हैं हमने हम क्या सोचते हैं क्या सोचते सबसे पति है इसलिए हमें सबकी कृपा चाहिए।
ये विभिन्न भाव से चले गए भक्ति प्राप्त होगा। तो बाबा जी कह रहे हैं ध्यान दें, अगर लोगों को असली हरिजन बोला है, भारत में ये समझा जाता है कि जो नीची जाति का है उसे क्या कहते हैं, तो बाबा कह रहे थे असली हरिजन वो है जो हरि की उदार है, जो हरि का बात वो रहते हैं, ये वो स्टैम मान लेते हैं हरिजन नहीं बोलते। जैसे कि भारत में कई बार बच्चे ऊँची जाति में पैदा होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है ऊँची जाति के, बस ये हरिजन कौन है जो हरि का भक्त है, वो हरि का भक्त बनने के लिए ये कितने महत्वपूर्ण है, बड़ा सरल मार्ग है। क्या है वो मार्ग? तो यहाँ आप देख रहे हो कि प्रभा जी में कितना उत्साह था, उनका श्वास कमजोर था, और जैसे उपेंद्र ने कहा इतना कमजोर था कि वो कहा से इशारा कर रहे थे, जब भी प्रभा ने इशारा बंद किया बड़े बड़े लोगों के बारे से चलते थे उन्हें ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया। तो उसी प्रकार हम भक्त में भी मेरी थोड़ी सी बीमारी है बाहर में क्या प्रचार, थोड़ी सी कमजोरी है थोड़ा प्रचार सेवा करोगे प्रचार करोगे इसका लाभ किसको मिलेगा, इसको चंदन चंदन कहती चंदन है क्या लाभ मिलेगा, बाकी ले जैसे कि मैं को निकालना है क्या करना चाहिए, तो जब आप ये चंदन को खरीदते हो तो उससे क्या होगा, भौतिक आकर्षण है वो दूर जी कह रहे थे इलाज व्यक्ति को इलाज कराने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, क्या है, दो दवाई और प्रेम। तो हमारी दवाई है ये हरियाणा, दवाई है शास्त्र का ज्ञान, दवाई है साधन भक्ति में नियमों के अनुसार, और खुराक क्या है, क्या खुराक, सेवा, सेवा। तो सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके वो दवाई लोग हैं तो सेवा नहीं कर सकते तो भी भक्ति का पूरा लाभ होगा, अगर दवाई भी लेनी है तो सेवा पर जिला नहीं था ये माध्यम से आपका भक्ति जी का उसे करते थे वर्ण कर सकते हो, ऐसा आप जानते हो बहुत स्पेशल था, क्या है स्पेशल, अगर मेरी फाइव वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी हो तो ये स्पेशल साल के विषय में कई टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए हैं, अभी ये वायरस के कारण उपयोग करवाएंगे, पर एक योजना ये सब है किताबों के विषय में उनकी लीला उन्होंने क्या देख दिया उनके विषय में ज़्यादा प्रचार होगा, ये सब ये योजना बना रहे हैं कि पापा जी रविंदर को लाखों की संख्या में हमारे इतना लोग पढ़ेंगे तो कई लोग मिला हूँ जिन्होंने कहा पापा जी के मिला में पढ़ कर कैसे उन्होंने निर्णय किया अपने जीवन को बनाने के लिए, आप मेरे कितने भक्तों ने मिला में खड़ी हुई है वो
बार बन जाते हैं, ओ हमें पापा की शरण दे दे, पापा की शरण विजय प्राप्त करते हो उनके शिक्षा के पालन के पढ़े। और आप सोच रहा था एक